जम्मू कश्मीर सरकार ने रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्टर्स को पहले 2 साल के पीरियड के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 50% छूट का ऐलान किया है। इस फैसले से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में फैसले को अप्रूवल दी गई। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। नए फैसले से प्रॉपर्टी की खरीद को आकर्षक और किफ़ायती बनाकर उसकी सेल और रजिस्ट्रेशन को रफ्तार दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जल्द फैसले को सुचारू रूप से लागू करने के तौर तरीकों पर काम करने को कहा है। हाल ही में सरकार ने जम्मू में रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, टेक्नोलॉजी के प्रसार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रियल एस्टेट समिट का आयोजन किया था। इसमें रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, फिल्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस ने हिस्सा लिया था। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा एडवाइजर फारूक खान, राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितीश्वर कुमार समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाने की दिशा में उनके लिए विभिन्न स्थानों पर इंडस्ट्रियल एस्टेट रिजर्व की जा रही हैं। इन एस्टेट्स में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा। इस कड़ी में उधमपुर के सीन ठकरान को फीमेल इंडस्ट्रियल एस्टेट घोषित किया गया है। यह फैसला फीमेल एंटरप्रेन्योर्स और महिलाओं की अगुवाई वाली इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में इस फैसले को अप्रूवल दी गई। काउंसिल के इस फैसले के बाद कोई भी व्यावसायिक उद्यम जिसकी मिनिमम 51% हिस्सेदारी फीमेल एंटरप्रेन्योर के पास है, वे रिजर्व्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट में लैंड अलॉटमेंट के लिए अप्लाई के योग्य होंगे। इसके अलावा नई जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत पात्र फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को टाइम बाउंड तरीके से ट्रांसपेरेंट सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उपयुक्त लैंड अलॉट की जाएगी। पुलिस की 2 नई महिला बटालियन के हेडक्वार्टर्स के निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूवल दे दी है। बारामूला के सोपुर और नौशहरा के परगाल्टा में ये हेडक्वार्टर बनेंगे। प्रत्येक पर अनुमानित 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, हॉस्टल और ऑफिस बनेगा। 3 वर्क सीजन में इसको पूरा करने का टारगेट फिक्स किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध पर अंकुश लगाने और महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए 2 महिला बटालियन बनाने को अप्रूवल दी गई थी। कुल 2014 पद इन बटालियंस में रखे गए हैं। इसमें महिला अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक शामिल हैं। दोनों बटालियंस की रिक्रूटमेंट फिलहाल जारी है और इसका प्रोसेस पूरा किया जा रहा है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक नहीं हुए सफल, तो करियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। करियर अड्डा जम्मू में आपको हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने का मौका मिलेगा। करियर अड्डा जम्मू की तरफ से फ्री कोचिंग का प्रोविजन भी रखा गया है, तो देर किस बात की, जल्द ही आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपना एडमिशन करियर अड्डा जम्मू में करवाएं। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।